वालेकुम गाइस, कैसे हम सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने बहन भाइयों को स्कूल से लेने। ठीक है, तो फिलहाल मैं उनको लेके आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी मैं मोहित भैया के पास आया था, क्योंकि सियालकोट से जब से आए थे ये हमें मुँह नहीं लगा रहे। तो अभी हम प्लान हमने बना लिया, थोड़ी देर तक हो सकता है जाए कहीं बाहर घूमने फिरने। यस, तो क्योंकि गर्मी बहुत चल रही है, गर्मी बहुत है। अरे और हम जाएंगे किधर? हम जाएंगे क्यों वेल्फ? अगर प्लान बना तो पहले ना बोलो, अगर कैंसिल हो गया तो। वो देखिए गाइस, ये मेरी मोटरसाइकिल है, मैंने इसको बेच दी थी छोटी ने। तू तो कहता मेरे को फ्री है, मैंने मोट ली थी ना इसको, तो मैंने पैसों की बेची थी ना, तो इसलिए। अब गाइस चलें, बाकी आपको मिलते हैं फिर हम बाद में आगे। आंटी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या लगा चिट्ठा बना तीसरे में तुम चल रहे हो? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मिर्जा अब्दुल्ला के घर। आपको याद होएगा कि अपने प्रीवियस कुछ ब्लॉग्स पहले आपको देख पाएगा, हमने कहा था कि वो हमें पिज्जा खिलाएगा, और फिर उसने हमें खिलाया था डोमिनोज। अब क्या क्या पैसे देते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं सारे पैसे मैं दूंगा, क्योंकि पिज्जा मैंने खिलाना था और मेरे ही आपको। गाइस आप उसके घर जा रहे हैं, काम है भाई को बिल्कुल। बाकी आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइज अभी हम आने लगे आ गए हैं मिर्जा अब्दुल्ला भाई के पास। जो तूने पिछली बार डोमिनोज में पिज्जा खिलाया था उसकी बात की है? खिलाया था, खिलाया था क्या हुई? चलो यार आपको मैं इंशाल्लाह बाद में दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ से जाएंगे, कोई पक्का नहीं। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो बाबा जी भी फिलहाल बाहर लगा हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच। ठीक है, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। ये नहीं मुझे पता कि कौन सा, पता नहीं एशिया कप और पता नहीं कौन सा है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मुझे इतना पसंद है। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तब देखने में मेरा बड़ा मज़ा आता है। मैं और किसी का मैच नहीं देखता, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का देखता हूँ। फिलहाल यार भी मैं इंडिया की बैटिंग हो रही है, देखते हैं कैसा किताब है। आपको मैं थोड़ी देर में। तो बाबा जी फिलहाल भी हम देखने लगे हुए हैं कब से मैच, और 4:30 घंटे हो चुके हैं। इंडिया के 5 विकेट्स हो चुके हैं, ओवर चल रहा है 42, और 42 ओवर की दूसरी बॉल है। 238 हाँ, पौने 4 घंटे 238 स्कोर हो गया। ठीक है, और अभी फिलहाल मैच अभी मेरे नाना वो कह रहे हैं 5 घंटा भी और चलेगा, तो देखते हैं यार अभी क्या सीन बनता है। जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है तभी खत्म। बाबा जी फिलहाल अभी आगे पाकिस्तान ने एक सेंचुरी लगाई थी बंदे बाउ की है, वो भी एक और। पहले एक बंदा उठ के किसी सेंचुरी होने लगी थी, अब एक और बंदे की सेंचुरी होने लगी थी, उसको भी आउट कर दिया। बेचारों की सेंचुरी नहीं हो रही यार। चलो यार कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए मुझसे, इस बात की डर है, इसलिए मैं ज्यादा दिखा रहा। बहुत जी फिलहाल अभी नीचे 8 विकेटें हो चुकी हैं। ठीक है, नसीम शाह की मैच से 4 विकेटें हो गई हैं और टोटल 8 विकेटें हो गई हैं। अब उनके बॉलर रह गए जिसमें से एक बुमराह और दूजे का नाम मैं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिकेट देखता नहीं हूँ। एक का वो भी मुझे याद है थोड़ा सा। फिलहाल यार अभी चूचों को ज़रा बंद करने आए हूँ, आज आपको चूचे भी दिखा देता हूँ कैसे हैं हमारे चूचे। इधर आओ, देखो येरा चूचा बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है, दोनों यस हैं सेट हैं। फिलहाल इनको बंद करते हैं, फिर बाकी मैच देखने चलते हैं। तो बाबा जी भी मैं नीचे आया हूँ नमाज वगैरह पढ़ के, तो सुनने में आया कि इंडिया के सारे बैट्समैन बॉलर सारे टोटल आउट हो गए हैं। 2 ओवर अभी रहते थे और टोटल आउट हो गए हैं, और 256 स्कोर बना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मुझे दिल से उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा, बस यार पाकिस्तान हार गया ना तो बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन जीतेगा इंशाल्लाह। फिलहाल अभी मैं था बाहर जा रहा हूँ। तो यार अभी फिलहाल 10:01 हो गए, सुनने में आया था कि फिर बारिश शुरू हो गई थी, मैं बाहर चला गया था। ठीक है, 100 रन जब हो गए थे ना, मैं वो देख के गया था, 100 रन हुए थे, मैं फिर गया था, 100 रन और 2 विकेट हुई थी। तो अभी पीछे से बारिश में आ गई, दोबारा शुरू हो गया, और अभी कोई पता नहीं मैच का क्या सिस्टम है, और लाइट भी अभी आई है, लाइट भी आई है, क्या पता नहीं बारिश हुई है कि नहीं यार। कब से वेट कर मैच का, बैठ दीजिए। ओके यार देखते हैं क्या चक्कर है। यार अभी सुनने में आया है कि मैच जो है ना वो डिलो कैरन डिले हो गया यार कल के लिए। दिल के अरमान सो में बह गए,
जरा मैंने कहा आधा पाकिस्तान जीतेगा भैन दी सीरी और ये तो मैच डिले हो गया यार। मुझे पता नहीं अजीब सा कुछ फीलिंग गुस्सा चढ़ रहा है। दो मिनट बाद दोबारा शुरू हो जाती है भैन दी सीरी, अजीब यार। चलो यार अब मैंने तो कहा था मैच जीतेगा पाकिस्तान, थोड़ा छंदा चौंक जाके खुशी मनाएंगे, लेकिन ये तो डिले हो गया। इंशाल्लाह भी आपको मैं थोड़ी देर में ये आप दिखा दूँगा यार, पता नहीं भैन दी सीरी क्या चक्कर हुआ है। और जो 100 रन हुए थे वो भी मेरे ख्याल से मैंने हाइलाइट्स देख रहा था, तो बस अब आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो यार अभी जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो पाकिस्तान का जो मैच हुआ है वो सारा डिले हो गया, ठीक है। और सुनने में आया है कि मैच ड्रा हो गया है, और अब वो मैच दोबारा से जब स्टार्ट होगा वो मैच सारा शुरू से स्टार्ट होगा। ये इस बात का तो मुझे पता ही था। आज बाबा जी 4.5 घंटे जाया हुए ने, ठीक है। मैन आउट हो गया था जी, 266 वाली रन हुए हैं, सारे आउट हो गए हैं, 2 ओवर भी रहने जाने। लो जी पाकिस्तान जीत गया जी, लेकिन यार मेरे नवानों पे सारों पे पानी फिर गया, सिर्फ पानी फिरा भी बारिश नहीं है, बारिश भैन दी सीरी अल्लाह की कसम है। वैसे मैं क्रिकेट विच इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, मैं ना तकना ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जो मैच हो ना वो तकन का मजा बड़ा आंदा है। और वो यार भैन दी सीरी बारिश हो गई और मेरे सारे अरमानों पे इतना मुझे दुख बना है यार, अल्लाह की कसम भाई पाकिस्तान जितना सी इन्ना मजा आया सी। हूँ यार का हूँ पता नहीं कदों हामिद कल होगा नहीं यार, कोई पता नहीं अब दोबारा मैच कब होगा, ठीक है। पता नहीं यार अब क्या सीन है अगली बार, ये पता नहीं पाकिस्तान क्या यार, अब मुझे कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या बनेगा। बस यार अब इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे बताना कि मैच दोबारा कब होगा, पता है आप लोगों को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, फिर मैं तीसरे में उनकी होते हैं।